सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 12 आई डिवाइस के अंदर आप जो है अपने फोन के अंदर स्टैंडर्ड रैम को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, लाइक जो एक्स्ट्रा रैम होती है आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। सो इसे बढ़ाना काफी आसान है, हालांकि हम ये फॉलो करेंगे अपनी सेटिंग को और दिखाएंगे कैसे आप जो है एक्स्ट्रा रैम को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा रैम को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले ओपन करेंगे हम अपना फोन सेटिंग। सेटिंग्स हमारी यहाँ पर, एक बार इसको ओपन करिए, स्क्रॉल करके नीचे आना, एक सेटिंग्स आपको मिलती है स्पेशल फंक्शन का, ये वाली स्पेशल फंक्शन, इसको एक बार प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर मीम फंक्शन का एक ऑप्शन आ रहा है जो सेकंड वाला, आप इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर 6 GB ऑलरेडी हमारे फोन के अंदर है, 1 GB हम एक्स्ट्रा इसके अंदर बढ़ाए हुए हैं। इसमें हम जो है देखते हैं कितना GB वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं, 3 GB तक हम इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। अब अगर आपको 3 GB बढ़ाना है तो इसको 3 GB पे क्लिक करिए, मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे। अभी देखो गाइस, अगर मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो हमारा फोन ऑफ होगा और ऑन होगा, ऑटोमेटिक ही हमारा फोन इनेबल और डिसेबल होगा, जो ऑफ होके ऑन होगा और हमारा जो है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा उतना। अब देखो मॉडिफाई करने के लिए क्लिक कर रहा है तो यहाँ पर रैम नीड टू नीड का ऑप्शन आ रहा है जिसमें आप 8 GB तक यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ देख सकते हो, ओके कर देंगे। अब ये देख सकते हो ऑन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने 1 GB इसको एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ है, ये तो ठीक है 1 GB हमने बढ़ा लिया, इसको मॉडिफाई करने के लिए बोल रहा है, एक्टिवेशन करने के लिए हमारा मे बी शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो हो रही है या किसी फीचर की वजह से ये मैक्सिमम नहीं हो रहा और हो सकता है हमारे अभी एक्चुअल रैम की जरूरत भी ना हो हमारे फोन के अंदर, लेकिन आप इसी तरीके से बढ़ा सकते हो। एक बार मेन फीचर पर क्लिक करके हम डिसेबल करके देखते हैं तो आप देखो ये हमारा फोन ऑफ हो चुका है, एक्चुअली उसको ऑफ कर देना है, ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही आपको इंक्रीज करना है एक्स्ट्रा रैम का। सो आई थिंक गाइस समझे होंगे कैसे इंक्रीज करना है, फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।